राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए में मेरे साथ नाइंसाफी हुई, अब मैं तय करूंगा कि कहां जाना है। मंगलवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा कि 5 से 6 दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक एनडीए सीटों की घोषणा नहीं करती। मैंने बहुत ईमानदारी से एनडीए की सेवा की। पीएम नरेंद्र मोदी देश के बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसीलिए मैंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि सोमवार को बिहार के 40 लोकसभा सीटों के लिए एनडीए की सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी गई थी, जहां भाजपा, जेडीयू, लोजपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम के बीच सीटों का बंटवारा हो गया। वहीं इस बंटवारे में पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा को एक भी सीट नहीं मिली है। उनकी पार्टी को पूरी तरह से गठबंधन के अंदर इग्नोर कर दिया गया। तब से वे नाराज हैं। पशुपति पारस ने पहले ही कह दिया था कि वो हर हाल में हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल एनडीए में यह सीट चिराग पासवान को मिली है। कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा उसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारे पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं।